दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक चार 5 पिन सॉकेटों का एक एक्सटेंशन बोर्ड। हमने ले लिए हैं चार मॉडुलर 5 पिन सॉकेट। चार मॉडुलर 5 पिन सॉकेटों के लिए हमें 8 मॉडुलर गैंग बॉक्स लेना है। मॉडुलर सॉकेटों को हमें अच्छी तरीके से शीट में बिठा लेना है। दोस्तों हमने चारों मॉडुलर 5 पिन सॉकेटों को अच्छी तरीके से शीट में बिठा लिया है। सबसे पहले हम 5 पिन सॉकेट के ऊपर के पॉइंटों को आपस में कनेक्शन करेंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों 5 पिन सॉकेट के राइट साइड में फेज दिया जाता है, तो हम सॉकेट के सीधी तरफ फेज का कनेक्शन करेंगे। फेज वायरिंग के लिए हम रेड वायर लेंगे। दोस्तों हमारे फेस के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम न्यूट्रल की कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल की वायरिंग के लिए हम येलो वायर लेंगे। दोस्तों हमारे बोर्ड के कनेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बोर्ड को मेन की वायर से जोड़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम 5 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में अर्थ वायर को जोड़ेंगे। दोस्तों 5 पिन सॉकेट के लेफ्ट वाले पॉइंट में हम न्यूट्रल की वायर को जोड़ेंगे। दोस्तों अब हम 5 पिन सॉकेट के राइट वाले पॉइंट में फेज वायर का कनेक्शन करेंगे। इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से कनेक्शन करने हैं। दोस्तों हमारे एक्सटेंशन बोर्ड की कनेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बोर्ड को एक बार चेक करके ज़रूर देखेंगे। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों हमारे बोर्ड के कनेक्शन पूरी तरीके से ओके हैं, आपको भी इसी तरीके से कनेक्शन करने हैं। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी।